क्या कर रहे हैं आप लेटे लेटे? सूजी हलवा खाने का दिल कर रहा? ऐसे देखते हैं ना तो बस मना नहीं करा जाता। और फोन में क्या देखा जा रहा? अच्छा, मुझे लगा कि शायद सूजी का हलवा ही देखा जा रहा, जैसे दही बल्ले ही देख रहे थे। चलिए तो बनाते हैं फिर सूजी का हलवा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सूजी ले ली है, बहुत कम मैंने सूजी ली है, हाफ बोल, और हाफ से थोड़ा ज़्यादा मैंने जो है वो चीनी ले ली है। अब मैं इसका जो मिक्सचर है, वो जो लिक्विड होता है, वो बनाऊंगी। एक कप पानी ले लिया मैंने, एक मग पानी लिया है, कप मेरा बड़ा है तो वो ले लिया है। इधर मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया कोकोनट, कुछ ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए, आमंड ले लिए, कैशू नट्स ले लिए हैं, ठीक है जी। और ये देखिए पानी बॉईल हो गया चाशनी बनाने के लिए। चाशनी थी वो, मेरे माइंड में नहीं आ रहा था नाम। अब मैंने पैन गरम कर लिया है, यहाँ पर मैंने होम मेड देसी घी ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून, ठीक है। इसको थोड़ा गरम होने देंगे, फिर हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा रोस्ट करूँगी सूजी को अच्छे से घी में। इसका मेन पार्ट यही है कि सूजी को बहुत अच्छे तरीके से भूना जाए। हमारा घी जो है वो थोड़ा सेपरेट होने लग गया है, देख सकते हैं आप। बबल भी बन रहे हैं, देखिए सूजी का कलर जो है वो थोड़ा चेंज होने लगा है, ये देखिए। और काफी हद तक जो है वो देसी घी काफी सेपरेट हो चुका है, सूजी भी अच्छे से भूनते जा रही है। अब ये मैं इसमें चाशनी ऐड करूंगी, वो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छींटे आती हैं जब चाशनी हम इसमें ऐड करते हैं, तो वो प्लीज अपने फेस का ख्याल रखिएगा, अपने हाथों का, फेस का काफी ख्याल रखिएगा, और थोड़ा दूर होकर भी इसे थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें पानी ज्यादा हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि ये जब मैं इसे थोड़ा भूनूंगी, मिक्स करूंगी और इसे मैं कंटिन्यूसली चलाते रहूंगी स्पैचुला की हेल्प से, तो इसका जितना भी पानी है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगी सूजी और ये टाइट होते चला जाएगा। ये देखिए काफ़ी हद तक पानी इसका जो है वो एब्जॉर्ब हो गया सूजी में। बस इसी तरीके से इसको चलाते रहना है, जितना आपको टाइट रखना है उस हिसाब से आपको इसे चलाते रहना है। और अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स स्प्रेड कर देना ऊपर से, कैशू नट्स में डाल रही हूँ। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आगे वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब मैं फीडबैक लूँगी तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि हलवे का क्या टेस्ट निकल कर आया है और कैसा बना है हलवा, वो आपको पता चल जाएगा। मेनली इसको ईद पर और गेस्ट के आने पर या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तभी से बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आपका जब दिल करे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। मैंने कोकोनट जो ग्रेट किए हुए थे वो भी इस पर स्प्रेड कर दिए, इसको मिक्स कर दिया है मैंने थोड़ा सा, 1-2 मिनट के लिए इसको गैस पर ही हम रखेंगे, मतलब ऑन रखेंगे गैस। अब ये मैं सर्व करूंगी। ये देखिए हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है, काफी खूबसूरत लग रहा है ये, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टाइट हो चुका है, लिक्विडी लिक्विडी नहीं रहा है।
बाकी वो आपकी चॉइस है कि अगर आपको थोड़ा पतला खाना पसंद है तो, और तो आप छोड़ सकते हैं चलाना उसको, वरना कंटिन्यूअसली चलाते रहिए तो ये जो है टाइट होता चला जाएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज़ फॉलो माय चैनल, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिए घर पे। आई होप आपको पसंद आएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी देखिए मैं टेस्ट कराने के लिए लेकर जा रही हूँ, देखती हूँ कि क्या कहते हैं। चलिए टेस्ट ये कराते क्या हैं। आपका फेवरेट सूजी का हलवा? जरा बताइए कैसा बना। अच्छा मौसम सूजी हलवा तो मुझे वैसे पसंद है, लेकिन ये तुमने भी बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना ही चाहेंगे? इज एंजॉयिंग अ लॉट। नो वर्ड्स। बहुत अच्छा बना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत टेस्टी बना और इतना सा दिया, पूरा भर और के चाहिए। देना चाहिए। उधर की तरफ देख रहे हैं। हलवा रखना है तो ये लीजिए भैया, बस इतना काफी है। पूरा और भर ले इसको। थोड़ा क्या, पहले थोड़ा और ये तो फिनिश कर लीजिए। गाइस आप देख रहे हैं ये बात अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। इश्क तेरा।